सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ डिओक्सिस और ये है हमारा सर्वाइवल सीरीज़। तो इस वीडियो के अंदर हम एक क्या बोलते हो वो ऑटोमेटिक शीप फार्म है ना वो बनाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा बेड की ज़रूरत है ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए। तो पहले उसके लिए थोड़ा सा सामान लगेगा, तो उसके लिए मतलब थोड़ा सा नेदर क्या बोलते हैं नेदर क्वार्ट्ज लगेगा, तो उसके लिए हमें पहले नेदर में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक डायमंड पिकैक्स बना लिया है, अब थोड़ा सा ऑब्सिडियन माइन करके आते हैं, तब तक के लिए तुम लोग देखो। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्सिडियन माइन तो करके आ गए, तो यहाँ पर हम लोग नेदर में जाते क्या ऐसा स्पॉन है वो भी चेक करेंगे। और ये देखो बहुत ठीक ठाक स्पॉन है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं। तो यहाँ पर से थोड़ा सा नेदर क्वार्ट्ज हम लोग ले लेते हैं, मतलब चुरा लेते हैं और देखता हूँ। अरे यार क्या नहीं यार घटिया स्पॉन है। चलो अब घर को तो हम लोग आ गए, तो अब हम थोड़ा सा क्या बोलते चीज़ है मतलब रिसोर्सेस लेंगे और बनाने लगेंगे एक मतलब 5 या 6 ऑब्जर्वर और 6 डिस्पेंसर्स। तो पहले हम लोग 6 ऑब्जर्वर बना लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बना लिए। अब थोड़ा सा डिस्पेंसर बनाने के लिए वो क्या बोलते हैं बो लगेगा, तो मेरे पास तो ज़्यादा स्ट्रिंग नहीं है, तो मैं जाके ग्राइंड करके आता हूँ। तुम लोग देखते रहो और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ यार, तुम लोगों की लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। तो यहाँ पर देखते स्ट्रिंग है कि नहीं, यार है तो कुछ भी नहीं, तो चलो हम लोग देखते कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो चलो गाइस मैं स्ट्रिंग ग्राइंड करके तो आ गया, मेरे पास 19 स्ट्रिंग है और कैसे बनता था पता नहीं वो, तो चलो बनाते हैं। हाँ लग तो रहा है ऐसे ही बनता था, नहीं यार नहीं बन रहा, कैसे बनता था चलो देखते कैसे बनता था, नहीं बनता बन रहा वो, अच्छा ऐसे बन रहा था। तो ठीक है हम यहाँ पर 6 बो बना लेते हैं, तो एक एक करके डिस्पेंसर भी बना लेते हैं क्योंकि डिस्पेंसर भी ज़रूरत होगा ना। तो ये देख सकते हो डिस्पेंसर स्टैक नहीं हो रहा, क्यों पता नहीं लग रहा है बो की वजह से स्टैक नहीं हो रहा, तो एक एक करके बनाना पड़ेगा। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, चलो बना लेते, तुम लोग लाइक कर देना सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि तुम लोग देख ही सकते हो मैं यहाँ पर बना लिया है थोड़ा सा डिस्पेंसर्स। तो चलो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग रिप्ले मॉड यूज़ नहीं करने वाले, तो हम लोग कहाँ बनाए, हाँ इधर बनाते हैं। ठीक है तो चलो मैं यहाँ पर से थोड़ा सा क्लीन करके आ गया और अब नीचे थोड़ा सा स्टोरेज सिस्टम बनाएंगे, तो तुम लोग मेरे साथ रहो। ठीक है स्टोरेज सिस्टम तो ऐसे ही होगा, हम लोग 3x3 का एक प्लेटफॉर्म लेंगे और उसको एक्सपेंड करके एक स्टोरेज सिस्टम बनाएंगे। तो चलो यहाँ पर हम लोग डायमंड पिकैक्स बना के स्टोरेज सिस्टम तो मतलब स्टोरेज का जो रूम है वो तो बना के आ गए, बाद में मैं लाइटिंग कर दूंगा। अब देखो ऐसे ऑब्जर्वर लगाना पड़ेगा, ठीक है उसके ऊपर एक डिस्पेंसर, और यहाँ पर आप लोग जो ब्लॉक चाहो, मैं तो ग्लास लगाऊंगा। तो गाइज मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए किया था, तो मैं बना के आता हूँ। तो यहाँ पर हमने पूरा तो कंप्लीट कर ही दिया है, तो देख सकते हो। और ये देखो नीचे जो हमारा स्टोरेज सिस्टम है, अब इसके अंदर रेल ऐड करना पड़ेगा और माइनक्राफ्ट विद हॉपर भी ऐड करना पड़ेगा, तो और इसके अंदर शीप भी ऐड करना पड़ेगा, तो देखता हूँ कितनी देर लगता है। और हाँ ये पीछे थोड़ा सा रेस्टोरेंट की गलती हो गई थी, तो मैंने रेस्टोरेंट भी लगा दिया। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और बाद में मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा बुरा आ सकता है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम लोग शीप तो ले ही आए और उसके साथ हम लोग हमारा स्टोरेज सिस्टम तो एकदम बढ़िया लग रहा है। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।